इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज में आने वाली गंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होकर गंगा यात्रा को सफल बनाए। गंगा को अविरल निर्मल बनाने के लिए उसमें कूड़ा करकट पॉलिथीन मरा जानवर न फेंके। गंगा सबकी जीवनदायिनी माँ है। निवेदक जिला स्वच्छता समिति कन्नौज। गंगा यात्रा के तहत सीएम योगी संगम नगरी प्रयागराज पहुँचे और माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्व वसंत पंचमी पर संगम में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने वहां मौजूद लोगों को दान भेंट किया और फिर पतंग उड़ाने का आनंद लिया। योगी बुधवार को ही गंगा यात्रा के साथ प्रयागराज पहुंच गए थे। सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, महेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम ने गंगा में कुल 11 डुबकियां लगाई। स्नान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरैल घाट पर गंगा की पूजा की। संगम पर सीएम ने पतंग उड़ाई और स्वच्छता का संदेश देने के लिए कबूतर भी उड़ाए। इसके बाद वो सर्किट हाउस पहुंचे और गंगा यात्रा को कौशाम्बी के लिए रवाना किया। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह यात्रा को लेकर रवाना हुए। यात्रा को रवाना करने के बाद सीएम योगी गोरखपुर के एक दिवसीय दौरे पर लौट गए। वहीं माघ मेला में संतों से आशीर्वाद लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में अयोध्या आंदोलन से जुड़े संतों की अहम भूमिका होगी। बुधवार को गंगा यात्रा की अगुवाई करने प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, स्वामी वासुदेवानंद और संतोष दास से मुलाकात के दौरान किया और संतोष दास से मुलाकात के दौरान दिया। उन्होंने मंदिर निर्माण पर संतों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द शुरू होगा। यहाँ के अफसरों ने और यहाँ के मेला प्रशासन ने उनसे बोला, जो कुछ काम किया है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद महाराज जी बहुत ही खुश हैं। और उन्होंने ये हाल लिया कि कब से आप हैं। महाराज श्री ने बताया कि अमावस्या के 2 दिन पहले से हैं, 2 दिन बाद और रहेंगे, सप्तमी को यहाँ रहकर चले जाएंगे महाराज जी से यहाँ से। और योगी जी ने जो है इस बात के लिए बार बार खुशी जताई कि महाराज श्री जो श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई से शुरू से जो लोग जुड़े थे उसमें श्री अब उनके जो महाराज जी ने बोला कि उनके जो श्री गुरुदेव भगवान श्री आदित्यनाथ जी के जो गुरुदेव भगवान हैं श्रीमान आदित्यनाथ श्री मुख्यमंत्री महोदय के जो गुरुदेव भगवान हैं श्री अवैधनाथ जी महाराज गोलोकवासी जो श्री मान अवैधनाथ जी हैं श्री वामदेव जी थे श्री अशोक सिंघल जी हैं ये सब लोग चले गए महाराज। और आप जो है महाराज राम मंदिर पर क्या बात कर रहा है? राम मंदिर श्री राम मंदिर बनेगा महाराज श्री उसमें रहेंगे ये हमको खुशी होगी देख करके। श्रीमान योगी जी ने ये बार बार कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा बार बार दोहराया कि महाराज जी आप शुरू से लड़ाई में थे और आप उन लोगों में से हैं जो शुरू से थे, आपकी उपस्थिति में बन रहा है तो ये खुशी का विषय है कि आप शुरू से हैं और अभी तक से हैं महाराज जी, इसको लेकर के उनको अच्छा लगा। वसंत पंचमी पर स्नान को लेकर घाटों और पांटून पुलों पर खास सतर्कता के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने गुरुवार को करीब 75 लाख श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का अनुमान लगाया। 2560 बीघा क्षेत्रफल में बसाए गए मेले को 3 जोन और सेक्टर में बांटा गया। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि मेला परिक्षेत्र के 7 किलोमीटर दायरे में श्रद्धालुओं के लिए 22 स्नान घाट बनाए गए। सुरक्षा के लिए पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान लगाए गए। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू कर दिया गया। प्रयागराज से सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट।